यार सिंचन, आज तो लॉस एंटोस का मौसम भाई सच में काफी ब्यूटीफुल हो रहा है। अरे फ्रेंगल बेस लेते भाई, मैंने आज का दिन डिसाइड करा था पिकनिक जाने के लिए और फाइनली फ्रेंगल बेस हम सच में यार पिकनिक जा ही रहे हैं। बास अब को ले मेरे तो ये समझ नहीं आ रही, बास अब तेरे को टाइम कहाँ से मिल गया बास अब हमको पिकनिक ले जाने के लिए, बास अब तेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। अब जॉब के बच्चे मैं तुझे क्या बताऊं भाई, मैंने अपने बॉस से किस तरीके से छुट्टी ली है। वो सिंचन मुझे भाई कभी हफ्ते की भी छुट्टी नहीं देता और आज फाइनली गाइस मैंने अपने बॉस से जैसे तैसे करके छुट्टी ले ली भाई पिकनिक जाने के लिए। गाइस आपको पता है मैं भाई एक बॉडीगार्ड हूं, हां गाइस काफी बड़े घर में गैस मैं बॉडीगार्ड हूँ और गैस वो बंदा मेरे को कभी भी छुट्टी देता नहीं है, हमेशा गैस रात को भाई 12 घंटे मेरे को उसके यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन फाइनली गैस आज मैंने छुट्टी ले ली। लेकिन सिंचन भाई एक बात का डर भाई मेरे को आज पूरे दिन रहने वाला है भाई पिकनिक पे। अरे बताओ यार कौन सा डर रहने वाला है, कोई तुम्हें मारने आ रहा है क्या? अबे नहीं सिंचन पागल है क्या, मैं भाई बॉडीगार्ड हूँ भाई, मेरे को कौन मार सकता है। सिंचन डर इस बात करेगा कि सिंचन कहीं भाई मेरा बॉस मेरे को कॉल ना कर दे बुला ले, क्योंकि सिंचन उसने छुट्टी देने से पहले मुझे बोला था कि भाई तेरे को मैं छुट्टी तो दे रहा हूँ लेकिन मैं तुझे कभी भी कॉल कर सकता हूँ और जिस टाइम मैं कॉल करूंगा तुझे आना होगा घर पे उसके घर की और उसकी सेफ्टी करने के लिए। अरे यार फ्रेंगल बेस तो काफी गड़बड़ वाली बात है, लेकिन वो तुमको कॉल नहीं करेंगे क्योंकि उनके घर पे तो ऑलरेडी बहुत सारे बॉडीगार्ड होंगे ना। हाँ सिंचन उसके घर पे यार ऑलरेडी 4 बॉडीगार्ड है और मेरे को मिला के 5 हो जाते हैं, तो सिंचन अभी उसके घर पे 4 बॉडीगार्ड तो होंगे तो भाई कॉल क्यों ही करेगा, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। और वैसे गाइस एक बार यार अपनी गाड़ी चेक करो भाई, क्या लग रही है ना सिंचन अपनी छोटी सी गाड़ी। बात सबको लिए गाड़ी बहुत ही बेकार थी, बात सब इस पे लग रहा था जंग, लेकिन बात अब तूने इसको मॉडिफाई करा दी। मॉडिफाई क्या कराई है, चॉप के बच्चे थोड़ा सा बस इसके ऊपर रैप करवा दिया और थोड़ा भाई मैंने पेंट करवाया था, बस इंजन होगी भाई गाड़ी एकदम दमदार। अरे लेकिन बाहर से लग रही है ये दमदार, अंदर से तो फ्रेंगल बेस के इंटीरियर एकदम घटिया है घटिया। टेंशन मत ले सिंचन, वैसे भी भाई मैं काफी दिनों से सेविंग कर रहा हूँ, जैसे सिंचन मेरे पास काफी सारे पैसे होते ना तुरंत सिंचन तेरा भाई लेने वाला है यार एक नंबर ओपी वाली मर्सिडीज भाई। अरे पर फ्रेंगल भैया यार एक बात बताओ, जिस घर में तुम डिग्री करते हो वो घर तो बहुत बड़ा है ना और उसका मालिक भी बहुत अमीर होगा। हाँ सिंचन ये तो सही कह रहा भाई, पैसे सिंचन ऐसे वो भाई घर के बाहर रखता है हॉल में, तुझे क्या ही बताऊं सिंचन कितना अमीर है। अरे तो फ्रेंगल बेस तुम्हें वो कभी टिप नहीं देते क्या? क्यों नहीं देता, सिंचन देता है हर हफ्ते में सिंचन 10 से 20 हजार रुपए वो मेरे को फ्री में यूं ही दे देता है। तो गाइस अभी हम यार जंगल वाले रास्ते पे तो पहुंच चुके हैं, यहां से सिंचन चलो भाई हम काफी जल्दी पहुंचेंगे भाई पिकनिक की लोकेशन पे। अरे पर ये तो बता दो आज तुम हमको पिकनिक पे कहां लेके जा रहे हो फ्रेंगल बेस? वो तो सिंचन तेरे लिए भाई सरप्राइज है, सिंचन तेरे को वहां पे ले जाके ही दिखाऊंगा आखिरकार आज मैं तुमको भाई कितनी ओपी जगह पे लेके जा रहा हूं। एक सेकंड भाई कौन कॉल कर रहा है, ये तो सिंचन अपना बॉस है। फ्रैंकलिन सिर्फ और सिर्फ तेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे भी करके तू घर पे पहुंच वो मेरे को नहीं पता। अरे लेकिन सर मैंने तो छुट्टी ली थी ना। एक सेकंड सिंचन उन्होंने तो भाई कॉल ही काट दी। अरे पर फ्रेंगल भी हम तो पिकनिक जा रही थी ना। लेकिन सिंचन अब तो भाई मेरे को भाई पहुंचना पड़ेगा उनके घर पे। बात सब बोले ये क्या बात हुई, बात मतलब उसने बोला 10 मिनट में पहुंचना है तो तू पहुंच जाएगा, 10 मिनट में तो चौप नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन भाई पहुंचना होगा कैसे भी करके मेरे को वहां पर पहुंचना ही होगा। अरे पर फ्रेंगल भी यार मत जाओ ना। नहीं सिंचन नहीं गया ना तो भाई कल वो मेरे को जॉब से ही निकाल देगा और मैं नहीं चाहता सिंचन के भाई मेरे को वो बंदा जॉब से निकाले। अबे सिंचन तू मेरे से वैसे भी कहता था ना कि तेरे को भाई वहां पर लेके जाओ जहां पर भी मैं भाई जॉब करता हूँ, तो चलना सिंचन फाइनली आज तेरे को मौका तो मिल गया, चलते हैं सिंचन मेरे बॉस के घर पे और फाइनली सिंचन मैं तेरे को उसका घर भी दिखा दूंगा। अरे हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, तो ठीक है बात है मैं भी तेरे साथ ही चल रहा हूँ। लेकिन जॉब के बच्चे सॉरी भाई मैं तेरे को अंदर नहीं लेके जा पाऊंगा क्योंकि भाई जो मेरा बॉस है ना वो काफी खड़ूस है और काफी फनी भी है, तो एक काम कर तू ना भारी रही हो, अगर गलती से मैं तुझे अंदर ले गया ना तो क्या पता भाई वो तेरे को बाहर भिजवा दे। अब बात अब जो होगा देखा जाएगा, बात अब तू अंदर लेके चलियो, अगर बाहर भिजवाएगा तो बात अब बाहर ही चले जाऊंगा। लेट्स गो गाइस, पहुंच चुके हैं भाई फाइनली गाइस हम अपनी लोकेशन पे। ये चेक कर सिंचन, ये जो तू घर दिख रहा है यही मेरे बॉस का घर है। भाई साहब बच गए सिंचन, तगड़ा ही एक्सीडेंट होता। लेकिन एक सेकंड भाई ये कार तो सिंचन मेरे बॉस के पास नहीं है, ये यहाँ पे कहाँ से आ गई? अरे पर फ्रेंगल भी आज तुम यार अपने बॉडीगार्ड के कपड़े में आई नहीं, इन्होंने फिर भी तुमको बुला लिया। छोड़ना सिंचन बोल दूंगा भाई, मैं तो मस्त करके पिकनिक पे जाता, आपने मेरे को बुला लिया, पता नहीं सिंचन ये क्या ही करवाएगा। आज सिंचन तो फटाफट चला, लेकिन आज गेट पे एक भी बॉडीगार्ड नहीं और गेट लॉक भी कर रखा है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है गाइस, अपन जाएंगे मस्त करके कूद के देखो तो सही गाइस आज हो क्या गया भाई जो इतना अर्जेंट कॉल करके मेरे को बुलाया। जब यहाँ पर गाइस मैं हमेशा रहता हूँ जब तक कुछ इतना अर्जेंट काम होता नहीं है, हमेशा गाइस बस मैं भाई यहाँ पे गन लेके खड़ा रहता हूँ और भाई कुछ भी नहीं करता। देखे तो सही भाई आखिरकार हो क्या रहा है आज घर पे, बढ़िया भाई मजा आ गया। एक सेकंड, हेलो हेलो भाई कौन लोगे तुम? अरे कौन लोगे मतलब तू कौन है ये बता, मच्छर जैसे? ओए मच्छर जैसे बोल रहा है, ये ले बेटे हवा में मारते घुसा हवा में, ये ले तेरी शकल पे भी मार सकता हूँ। बेटे तूने पता है किस पे हाथ लगाया है? गुड्डू के चेले पे हाथ लगाया है गुड्डू के। अरे तो सर पहले मैंने मजाक में बोला और भाई हवा में घुसा चलाया तो इसने बोला क्योंकि हवा में मार रहा है, इसलिए मैंने असलियत में मार के दिखा दिया। मेरा मन थोड़ना था असलियत में मारने का। रुको भाई मैं बॉस से पूछता हूँ गाइस, इनसे खाली पीली क्यों ही पूछ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये लो भाई सब गिर गया, बेइज्जती हो गई मेरी। अरे फ्रेंगल भैया यार कहाँ हो फ्रेंगल भैया?
अबे सिंचन के बच्चे नीचे हो जल्दी आ भाई फटाफट से। ये लो भाई चढ़ी गए। हेलो सर नमस्ते, क्या ले? फ्रैंकलिन इतना टाइम कैसे लगा दिया, कहाँ रह गया था तू? अरे सर मैं पिकनिक पे जा रहा था। पिकनिक पे जाएगा या काम भी करेगा? एक काम कर, तू मेरे से छुट्टी ले ले हमेशा हमेशा के लिए और घूम पिकनिक पे। अरे सर क्या हो गया, हमेशा तो आता हूँ ना। अरे लो भाई ये क्या गलती कर दी मैंने। नाले नाले फ्रैंकलिन नाले, तेरे को कभी नहाने को नहीं मिलता ना। अब मेरी बात तू ध्यान से सुन, तुझे पता है आज 4 पेटी गोल्ड आया, 4 पेटी घर पे। तुझे कुछ नहीं करना, मैं एक लोकेशन बता रहा हूँ, वहाँ पे जाओ और वहाँ पर तुझे एक बंदा मिलेगा और वो बंदा तेरे को देगा चमचमाती हुई लकड़ियाँ, समझ रहा है? तुझे वो चमचमाती हुई लकड़ियाँ लेके आनी है कैसे भी करके, और एकदम सेफ लेके आनी है, क्योंकि उन लकड़ियों की कीमत अगर मैंने तुझे बता दी तो तू ऑटोमेटिक उन लकड़ियों का ध्यान रखेगा। उन सारी लकड़ियों की कीमत पूरी की पूरी 24 करोड़ है। क्या 24 करोड़? वो भी लकड़ियों की कीमत? वो कोई ऐसी वैसी लकड़ियाँ नहीं है। और हाँ मैं चाहता था किसी को भी ड्राइवर को भेज के उन लकड़ियों को मंगा सकता था, बात 24 करोड़ की है फ्रैंकलिन, इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। और बस तू मेरा ये छोटा सा काम कर दे, उसके बाद मेरी तरफ से तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट है घर पे। अरे वाह यार, आज तो गाइस मेरे को काफी ओपी काम मिल गया, मतलब मेरे को 24 करोड़ की लकड़ियां लेके आनी है भाई। बढ़िया गाइस बढ़िया। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर तो सच में भाई गोल्ड रखा हुआ है। बोल तो रहे थे गाइस ये 4 पेटी गोल्ड आया है। हेलो सिंचन के बच्चे कहाँ रह गया भाई तू? सिंचन की आवाज तो आ रही थी लेकिन पता नहीं गाइस कहाँ चले गया। हाँ तो सर बताओ फटाफट से, आखिरकार मेरे को जाना कहाँ है? मैं जाता हूँ और लकड़ियां लेके आता हूँ, उसके बाद सर भाई मिल ले गिफ्ट है ना। फ्रैंकलिन गिफ्ट की तू टेंशन मत ले, ऐसा सरप्राइज है तेरे लिए जिसे देख के तू भी चौंक जाएगा। मेरे घर पे तू 2 महीने से जॉब कर रहा है तो इतना तो बनता है फ्रैंकलिन तेरे लिए। तो गाइस अभी बॉस ने यार लोकेशन तो बता दिया जहाँ पर गाइस मेरे को जाना है, और वहाँ से गाइस ट्रक के अंदर लोड करके भाई मेरे को लकड़ियां लानी है। और फाइनली गाइस मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे को चाहिए न्यू चमचमाती हुई कार। तो गाइस उन्होंने भाई एक अपने चेले की मेरे को कार तो दिला दी, लेकिन उन्होंने बोला भाई इसकी सेफ्टी रखनी है। और फ्रैंकलिन भी अच्छी बात तो ये है, ये जो अपना चॉप है ना, ये अपने चॉप को भी उन्होंने घर में बुला लिया मस्त करके, वो तो यार इसी के हवा में बैठा है। हाँ सिंचन भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ, पता नहीं सिंचन आज उनको भाई कैसे अपने प्यार आ रहा है भाई। चॉप को सिंचन भाई उन्होंने एसी वाले रूम में रख रखा है भाई। अच्छा है सिंचन, ऐसा ही तो होना चाहिए। अभी बस सिंचन फटाफट से हम अपना काम करते हैं, उसके बाद सिंचन वो हमको भी भाई कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। अरे काश फ्रैंकलिन भाई यही गाड़ी हमको गिफ्ट दे दे तो मजा आ जाएगा, वो कम से कम तुम्हारी सड़ी हुई गाड़ी में तो नहीं बैठने को मिलेगा। इसका इंटीरियर देख लो कितना प्यारा है। और यार गाइस जब तक हम अपनी लोकेशन में पहुंच रहे हैं, आप लोग गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ यार गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा ना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ में गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। और सिंचन भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, ये एक सिंचन स्पोर्ट कार है तो क्यों ना सिंचन इससे भाई थोड़े बहुत इंस्टेंट कर लिए जाए। आप देख सिंचन है, अरे सच बताओ तो फ्रैंकलिन भाई मैं भी यही सोच रहा था यार, ये एक स्पोर्ट कार है और वैसे भी काफी टाइम बाद मैं इसमें बैठा तो कुछ तो इंस्टेंट बनते हैं। ओके तो सिंचन अब तो टेंशन मत ले, यहाँ से सिंचन काफी ऊंची जंप लगाते हैं, ये चेक कर भाई। आया ना सिंचन मजा, लेकिन ज्यादा मजा नहीं आया गाइस क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पे हम थे नहीं। और सिंचन अपनी अगर वो कार होती जिससे सिंचन हम सुबह सुबह पिकनिक जा रहे थे तो क्या होता उसका, अरे उसके तो अंजर पंजर ही ढीले हो जाते। कोई सिंचन लॉस एंटोस के अंदर ओपी जगह नहीं है ना जहाँ पर जाके सिंचन आराम से भाई स्टंट कर सके, और तो सिंचन पक्का इस कार को वहीं लेके जाते और ओपी वाले स्टंट करते भाई। तो फाइनली गाइस हम अपनी लोकेशन में तो यार पहुंचने वाले हैं। सिंचन भाई लोकेशन दिखा रही है कि सिंचन हमको राइट लेना है, लेकिन सिंचन कहां से राइट लेना है? अरे मेरे ख्याल से यही जाना होगा गांव वाले रोड पे। ओके तो सिंचन भाई यहीं से निकलते हैं, लेकिन सिंचन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम गलत जा रहे हैं? आई थिंक यहाँ से जाना है। अरे लेकिन ये लोकेशन तो फ्रैंकलिन भाई सीधे सीधे दिखा रही है। समझ गया सिंचन, मैं समझ गया सिंचन, वहां पर देखो उस साइड तेरे को एक घर दिख रहा है। अरे वहाँ दिख रहा है दिख रहा है। बस तो सिंचन इस पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक घर है, और सिंचन बॉस ने बताया था हमको सिंचन उस घर में जाना है और वहाँ पर सिंचन एक बूढ़ा इंसान मिलेगा जिससे सिंचन हमको थोड़ी बहुत बातें करनी है। उसके बाद सिंचन वो हमको बता देगा कि आखिरकार भाई वो लकड़ियां कहाँ पे रखी है जो कि सिंचन हमको लेके जानी है। लेकिन ये चक्कर सिंचन ये क्या है भाई, इतना बड़ा ट्रक सिंचन मैं तो अपने लॉस एंटोस के अंदर पहली बार दिख रहा हूँ। बोलो गाइस इसका ये जो टायर है ये चेक करो भाई, मतलब इससे छोटा मैं हूँ और सिंचन का बच्चा तो कुछ है ही नहीं भाई इन टायरों के सामने। अरे एक बार इस पे चढ़ना है फ्रैंकलिन भैया, चढ़ तो सिंचन में आराम से, नहीं भाई आराम से नहीं चढ़ पाऊंगा सिंचन, बिल्कुल भी आराम से नहीं चढ़ पाऊंगा। आ सिंचन देखते हैं भाई वो बाबा का है, उस बाबा से यार थोड़ी बहुत हम भाई फटाफट से बातें करते हैं, और बातें करने के बाद उसके बाद निकलते हैं गाइस। हेलो अंकल आंटी क्या हाल है, सॉरी आंटी लोगों क्या हाल है तुम्हारे, यहाँ पर कोई दादाजी रहते हैं? हेलो आपसे ही बातें कर रहा हूँ, कोई नहीं भाई कोई नहीं मत बोलो, वैसे भी यार मेरे को काफी शर्म आती है गाइस लड़कियों से बातें करने में। हेलो दादाजी क्या हाल है आपके? अरे मेरे पोते बहुत दिन बाद आए। क्या पोते? अरे बुरा मत मानना, मैं जिस किसी को देखता हूँ तो उसे अपना पोता ही बोलता हूँ बच्चों। लेकिन बाबा एक बात बताओ, इतनी सारी बाइक की कलेक्शन बना रखे हैं आपने, है किसकी है बाइक? अरे मेरे पोते ये सारी की सारी बाइक मेरी है। हुआ क्या था बचपन में, मतलब मेरा जो जवानी था ना उसमें मुझे बहुत शौक था बाइकों का, इसलिए मैंने अपनी बाइकों की कलेक्शन बना रखी है और आज तक इनको मैंने बेचा नहीं है। बढ़िया सर बढ़िया यार, काफी अच्छी लग रही है, बढ़िया यार ये। एक बार एक राउंड लेके आओ। जा लेके आ, मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया,
आया है, वो तू पेड़ लेने आया है ना? क्या पेड़? नहीं 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 भाई, पेड़ लेने नहीं आया, मेरे को यहाँ पे लकड़ियाँ लेने के लिए भेजा है, जिनकी कीमत पूरी की पूरी 24 लाख है। क्या क्या है 24 लाख? 24 लाख में तो तुझे उनके पत्ते भी नहीं मिलेंगे, समझ रहे? पूरे के पूरे 30 करोड़ है बेटा उन पेड़ों की कीमत। अच्छा तो बताओ यार, वो पेड़ है कहाँ? ठीक है मैं तुझे देता हूँ, लेकिन तुझे मेरी बाइक नहीं चलानी क्या? अब बाइक तुझे पसंद थी ना? हाँ सर, बाइक तो चलानी है यार, बाइक का राउंड तो लेके आए कम से कम। भाई बाइक सच में गाइस काफी ओपी लग रही है यार, काश गाइस अपने पास भी ये बाइक होती ना तो सच में मजे ही आ जाते। अच्छा तो इसे मेरी बाइक पसंद आ रही है, लेकिन ये कौन भागा भागा रहा है? अरे बाबा जी नमस्ते यार, क्या हाल है? आप यार नंगे घूम रहे हैं, आपका घर तो बहुत छोटा है, अमीर हो गया? अरे मेरा छोटा घर है तो मुझे अमीर बोल रहा है, अलग ही बात है। अरे मेरा कहने का मतलब ये है यार, आप तो अमीर हो गए, आपका इतना छोटा घर क्यों है? और बढ़िया यार, आपके पास तो बाइकों की भी कलेक्शन है, लगता है ये बच्चा इसी के साथ था। ए, तेरे साथ है कि? हाँ सर, इसका नाम सिंचन है भाई, काफी अच्छा नाम है। और अगर तुझे मेरी बाइक पसंद आ रही है तो तू ले जा, अब तो मेरा वैसे भी बुढ़ापा आ चुका है, मैं कहां ही चला पाऊंगा इनको, ले जा तू सारी बाइकों को ले जा। क्या कह रहे हो, सच कह रहे हो क्या? अरे यार अंकल सच बताओ, मेरे को तो विश्वास नहीं रहा। हाँ बच्चों ले जाओ, वैसे भी अब बची कुछ ही जिंदगी बची है, मैं चाहता हूँ इनको खेतों में काम करके गुजारू ना कि बाइक चला के। तुम बाइक को भी ले जाना, लेकिन उससे पहले आओ मैं तुमको बताता हूँ तुम्हें कौन सा ट्रक लेना है जिसपे तुमको वो पेड़ रख के ले जाने। ये है हमारे पूरे 30 करोड़ के पेड़, अब ये बच्चा इनको लेने के लिए आया है, दे देते फटाफट से, उसके बाद मेरे बैंक के अंदर पेमेंट आ जाएगी। तो गाइस यार अभी काफी टाइम बीत चुका है और जैसे कि तैसे करके गाइस मैंने सिंचन और बाबा जी ने मिलकर गाइस यहाँ पर ये जितने भी पेड़ के पीसेस है गाइस इस ट्रक पे तो हमने लोड कर दिए। और गाइस मैंने इस बाबा से यार काफी कोशिश करी भाई इन पेड़ के बारे में पूछने के लिए कि भाई आखिरकार ये इतने महंगे क्यों है, कैसी खास बात है भाई इन पेड़ों के अंदर, लेकिन गाइस इस बाबा ने भाई मेरे को सच में कुछ भी नहीं बताया। अरे पर फेंगल पे कम से कम तुमको वो बाइक तो दे दी। हाँ सिंचन इसलिए मैं काफी खुश हूँ। ओके तो बाबा जी हम निकलते हैं यार फटाफट से आपके ट्रक को लेके, खाली पीली क्यों ही देरी करनी। और गाइस हम अपनी कार लेके आए थे वो भी गाइस हमने बाबा के घर पे शिफ्ट कर दिया है, अपना बॉस आएगा या किसी चेले को भेजेगा सिंचन वो लेके आ जाएगा भाई उसकी कार को। अरे वैसे फ्रेंगल पे सच में यार अगर तुमको वो सारी बाइक मिल गई ना और तुमने अगर उन सारी बाइकों को बेच दिया तो पक्का हम तो बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ सिंचन काफी पैसा आ जाएगा भाई अपने पास, लेकिन यार एक बार ये चेक करो गाइस जिस ट्रक पे सिंचन ये पेड़ के पीसेस कितने अजीब लग रहे ना। अरे हाँ यार पेड़ को बीच में काट दिया और इनकी कीमत फ्रेंगल पे पूरी की पूरी यार 24 करोड़ रख दी। 24 करोड़ पता नहीं सिंचन क्या ये भाई इन पेड़ों के अंदर, लेकिन सिंचन मुझे जानना है भाई आखिरकार ये इतने महंगे क्यों है, आखिरकार क्या है भाई इनके अंदर। मुझे ऐसा लगता है सिंचन जो मेरा बॉस है जिनके घर पे सिंचन में इनको डिलीवर करने जा रहा हूँ वो भी सिंचन इनके बारे में मुझे कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि सिंचन वो इनकी कीमत बहुत ज्यादा बता रहे ना। तो सिंचन मेरे को लगता है ये पेड़ ना काफी घने जंगल में उगते होंगे, वहां से सिंचन काफी मुश्किल से ये बंदा काट के लाया होगा। अरे तुम्हें लगता है ये बाबा इन पेड़ों को काट सकता है? हाँ ये भी बात है, पता नहीं सिंचन क्या है भाई, जब कोई सिंचन इन पेड़ों के बारे में हमको बताएगा ना जब भी सिंचन हम पहचान सकते हैं भाई आखिरकार इन पेड़ों का राज क्या है भाई, जो कि ये पेड़ की लकड़ियां इतनी महंगी है। एक काम करते हैं सिंचन भाई यहाँ से नीचे के रास्ते से चलते हैं, क्योंकि सिंचन ये है भाई जंगल के एरिया और सिंचन मुझे पता है भाई यहाँ से हम करीबन आधे घंटे के अंदर सिंचन अपने बॉस के घर पे पहुंच जाएंगे। अरे पर पानी के अंदर क्यों ले गए? अब सिंचन भाई ये काफी ऊंचा ट्रक है भाई, इसका कुछ नहीं होने वाला, चाहे सिंचन भाई हम इसे कितने भी गहरे पानी के अंदर डाल दे इसके अंदर सिंचन काफी ओपी वाला इंजन होता है। और सिंचन भाई कुछ भी कहे यहाँ की हरियाली देख के सिंचन काफी मस्त ही लग रहा है ना। एक काम करेंगे फ्रेंगल भाई, फिर ना किस दिन प्लान बनाते हैं और फिर फ्रेंगल भाई यहाँ पर आके हम मस्त करके कैंपिंग करेंगे कैंपिंग। अब सिंचन मेरा बॉस भाई एक दिन की मेरे को छुट्टी देता नहीं है, कैसे भी करके सिंचन मैंने फाइनली आज छुट्टी तो ली, लेकिन आज भी सिंचन उसने मेरे को बुला ही लिया। लेकिन सिंचन आज तो सच में मेरे को मजा आ रहा है भाई उसका काम करने में, देख रहा है सिंचन कितने महंगी डिलीवरी लेके जा रहे हैं भाई उसके घर पे। का सिंचन ऐसा हो मैं जैसे घर पे पहुंचे तो सिंचन भाई जो मेरा बॉस है वो मेरे को सिंचन उसके घर पे जितना भी गोल्ड रखा हुआ था ना सारा का सारा गोल्ड दे दे तो सच में मजे ही आ जाएंगे। तो फाइनली गाइस अभी भाई हम हाईवे तो पहुंच चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ गाइस यहां से 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट के बाद गाइस हम पहुंच जाएंगे अपने बॉस के घर के बाहर। और अब गाइस मेरे और सिंचन के अंदर भाई एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। अरे हां फ्रेंगल भाई यार मैं तो काफी देर से बस यही सोचे जा रहा हूं आखिरकार क्या गिफ्ट देगा यार तुम्हारा बॉस, क्या ही देगा। वैसे तो सिंचन वो काफी अमीर है, लेकिन सिंचन वो थोड़ा बहुत कंजूस भी है, तो सिंचन ज्यादा बड़े सपने मत देख लियो। अरे क्या ज्यादा बड़े देखने के, मैंने तो देख भी लिए, मैंने तो ये सोच लिया फ्रेंगल भैया जो तुम्हारा बॉस है वो तुमको यार बहुत बड़ा यार गिफ्ट और प्राइज देगा तुमको। एक सेकंड सिंचन भाई ये चेक कर, ये तो अपना बॉस है लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रहे है? और भाई ये तो गाड़ियों का काफिला लेके खड़ा है यहाँ पे। हेलो सर, हेलो, फाइनली मैं आपके पेड़ को लेके आ गया। अच्छा तो फ्रेंकिल तू पेड़ को लेके आ गया, वैसे तो फ्रेंकिल मुझे पता था तू लेके आ जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। और फ्रेंकिल अब तू चुपचाप से गोल्ड की कार के अंदर बैठ जाओ। और लेकिन सर ये पेड़? अरे तू पेड़ों की टेंशन मत ले, यहाँ पर मेरे बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं, आगे पीछे गाड़ी है, मैं तू इसके अंदर बैठ, तू मैं
चल रहे एक लोकेशन पे। अरे सर मैं भी चलूंगा, मैं भी। और वहीं पर आज तेरे लिए कुछ सरप्राइज है, काफी टाइम हो गया ना फ्रैंकल, तू मुझसे गिफ्ट मांगता है गिफ्ट, आज चल के तेरे को गिफ्ट दे ही देते है। अरे वाह फ्रैंकल भाई, देखा मैंने तुम्हें को बोला था ना ये बंगले गिफ्ट करेंगे। अब सिंचन चुप बैठ जा भाई, लेकिन ये चक्कर सिंचन, ये लिमोजिन कार कितनी मस्त लग रही है ना। वैसे सर ये कार मैंने आपकी देखी नहीं आज तक, कौन सी कार है ये? इसका नाम लिमोजिन कार है, और साथ ही साथ में फ्रैंकल ये भाई गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो रखी है। आज मैं तेरे को अपनी ऐसी लोकेशन पे लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं अपने किसी भी चेले को लेके नहीं गया, लेकिन फ्रैंकल आज से तू मेरा खास चेला बन चुका है। तूने क्योंकि काफी ओपी काम कर दिया, ये मेरी काफी महंगी डिलीवरी थी जिसको तूने मेरे घर पे ड्रॉप करा है, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना भाई तेरे को काफी सारा गिफ्ट दिया जाए, और साथ ही साथ में आज मैं तेरे को अपना खजाना दिखा दूंगा, आखिरकार मैंने जिंदगी भर क्या कमाया है और मेरा अड्डा कहाँ पे है और मैंने अपना सारा का सारा सामान कहाँ पे रख रखा है। अरे ये हुई ना बात। और सर यार अपना एक काम करो, मेरे स्कूल भी चलना, एक ना टीचर है यार वो ना यार मेरे को खाली पीली मारता है। क्या कहा सिंचन, खाली पीली? अरे हाँ यार मैं होमवर्क करके नहीं ले जाता ना तो यार दो चार डंडे मार देता है, लेकिन उल्टा फ्रैंकल पे मैं यार उसके साथ ना उल्टी हरकत कर देता हूँ, कभी यार ब्रेंच पे चौक चला देता हूँ, और वो जैसे ही ब्रेंच पे बैठते है ना तो यार उनकी पैंट पे चौक लग जाती है। तो टेंशन मत ले, क्या नाम है तेरा? अरे मेरा नाम सिंचन है। हाँ तो ठीक है सिंचन, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दे, अभी कॉल लगाता हूँ, और अपने तू स्कूल का नाम भी बता दियो, उस टीचर को सबक मिल जाएगा। अरे नहीं सर नहीं, रहने दो भाई, सिंचन तो मजाक कर रहा है। सर और कितनी दूर रह गया यार आपका अड्डा? काफी देर हो गई सिंचन चलते चलते। बस बस फ्रेस्टर फ्रैंकल आ गया, ऊपर देख रहे हो ऊपर? अरे हाँ फ्रैंकल भाई, ये ऊपर क्या है यार, ये तो मैंने पहली बार दिख रहा है इस लोकेशन पे। सिंचन देख तो मैं भी पहली बार रहा हूँ। वैसे सिंचन हम यहाँ पे भाई 5-6 बार आ चुके हैं ना। अरे हाँ एक बार फ्रैंकल भाई हम यहाँ पर बोट लेने के लिए आए थे, उस टाइम सिंचन यहाँ पर ये कुछ नहीं था, लेकिन अब कहाँ से आ गया? मिस्टर फ्रैंकल जरा ऊपर तो चढ़ो सीढ़ियों से, और एक बार ऊपर जाके चेक करके आखिरकार क्या क्या सामान है। क्यों सर आप नहीं आ रहे क्या? अरे आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मतलब मेरे से तू बड़ा हो गया है, अब मेरी बात को तू काटेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, अभी ऊपर जाके हम देखते हैं आखिरकार क्या क्या है सामान। आजा आजा बच्चे आजा, मेरी तरह देख सीढ़ियों पर चढ़ के, वरना तू गिर जाएगा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये सब क्या है यहाँ पे? मतलब मेरी बॉस के पास ये सब कुछ है, और एक बार ये चेक करो गाइस यहाँ पर कितना ही सारा पैसा है, और साथ ही साथ में गाइस काफी बड़ी बड़ी प्लेन है भाई यहाँ पर, और काफी सारी सुपर कार। नहीं भाई ये तो लेपर्ड है। अरे भाई साहब ब्लैक लेपर्ड। मिस्टर फ्रैंकल डरने कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैंने 10 लेपर्ड छोड़ रखे है, अगर तू यहाँ पर अकेले आता ऊपर तो ये तेरे को कब का काट के उधेड़ ही देते, वो तो इन्होंने मेरी मैक्स उंगली, इसलिए ये तेरे को अब कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इन्हें पता लग गया मैं तेरे को यहाँ पर लेके आया हूँ। अरे बाप रे गाइस ये रहा भाई ब्लैक लेपर्ड। भाई साहब ये तो सच में गाइस लेपर्ड है, लेकिन अच्छी बात ये है गाइस ये मेरे को कुछ नहीं बोला। और यहाँ पर गाइस देखो भाई इनकी बाइक की कलेक्शन भी है, लेकिन सर एक बात तो बता दो आखिरकार आप मेरे को क्या गिफ्ट देने वाले हो? फ्रैंकल यहाँ से तू 10 सामान लेके जा सकते है, जो तेरा मन करे 10 चूज कर, और वो 10-30 तू अपने घर पे ले जाओ। बढ़िया भाई बढ़िया, ये मौका गाइस मैं अपने छोटे भाई सिंचन को देना चाहूंगा। सिंचन तो फटाफट से भाई यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है ना इनमें से सिंचन 10 सामान चूज कर, और फिर सिंचन उसको हम घर लेके जाएंगे। आई थिंक गाइस हम पैसों को भी चूज कर सकते हैं। हाँ जैसे गाइस ये पैसे देख रहे हो आप सामने, ये गाइस अलग अलग पेटियों के अंदर है, तो आई थिंक अगर हम इस पेटी को चूज कर ले ये हमारी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं होगी, जरूर होगी, और साथ ही साथ में फिर तो यहाँ पर गोल्ड भी है। ओके तो गाइस डन करते हैं भाई, यहाँ पर गाइस एक पेटी गोल्ड की, एक पेटी मनी की, और उसके बाद गाइस यहाँ पर भाई गोल्ड के हेलीकॉप्टर भी मेरे को दिख रहे हैं गाइस, वो भी भाई डन ही करते हैं। अरे फ्रैंकल भाई यार सारा कुछ तो यार तुम खुद ही चूज कर रहे हो, फिर मेरे को क्यों बोला तुमने है कि छोटा भाई चूज करेगा? चल ठीक है सिंचन, 3 चीज मैंने चूज करी, बाकी सारी चीज तू चूज कर भाई। अब आए ना गाइस असली मजा, अगर गाइस ये सब कुछ हमको मिल गया तो यार सिंचन हम तो सच में काफी अमीर हो जाएंगे। उसके बाद गाइस मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा, भाई अपने पास भी काफी कुछ है। गाइस आप लोगों ने तो देखा था भाई सुबह हमारे पास एक खटारा सी कार, जिसको गाइस मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा रखा था, लेकिन अब देखो गाइस अपने पास कितना ही सामान आएगा। देखते हैं गाइस सिंचन और क्या क्या सामान चूज करेगा यार। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस? फ्रैंकल सिंचन आपकी भाई, तो यार फटाफट गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और गाइस बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जैसे गाइस हमारी वीडियो की सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यारा वाला बाय।